अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इसमें किसी का दौर या दबाव नहीं है, अब बस क्या करें। ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली होगी। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से, गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना, ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आजादी चाहिए ठीक है, वो आजाद रहे। चलो अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्ला से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफी है, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। हज़रत उस्मान की सीरत तुमसे पुकार कर कह रही है, अगर तुम्हारी बीवी बीमार पड़ती है तो उसकी आदत करना, उसकी तीमारदारी करना, ये जोरू की गुलामी नहीं है, ये सीरत उस्मान गनी है। ये जोरू की गुलामी नहीं है। अगर कोई मर्द अपने हाथ से बीवी को खिलाता है तो बीवी की गुलामी नहीं है, सुन्नत रसूल है। याद रखो, मोहब्बत करो अपने बीवियों से, मोहब्बत से बात तो करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो। बीवी इंसान है, जो मैंने कई मरतबा दारू सलाम में देखा है कि हमारी बहनें आकर शिकायत करती हैं कि मुझे मारा मेरा शौहर, और जब उनके चेहरों को देखता हूं यकीन जानिए दरिंदगी का बयान नहीं कर सकता, दरिंदगी को बयान नहीं कर सकता। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, बीवी इंसान है, वो किसी की बेटी है,